दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ कि आप लोग पीसी या लैपटॉप पर कैपकट के अंदर अपनी वीडियोस को कैसे एडिट कर सकते हो। बहुत ही इजी है कैपकट, जो है बहुत ही इजी है। आप लोग किसी भी किस्म का वीडियो कैपकट के अंदर जो है एडिट कर सकते हो। आप लोग जिस तरह भी चाहे आप लोग ट्रांजेक्शन ऐड कर सकते हो, आप लोग तस्वीरें ऐड कर सकते हो, आप लोग वीडियो में जिस तरह चेंजेस लाना चाहते हो आप लोग कर सकते हो, आप लोग कलर ग्रेडिंग कर सकते हो, आप लोगों को जिस तरह भी वीडियो की एडिटिंग चाहिए आप लोग कैपकट के अंदर कर सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में विदाउट वाटरमार्क। तो आप लोग कैसे कर सकते हो इसके लिए सिर्फ आप लोगों ने इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो इसके लिए आप लोगों ने अपने कंप्यूटर में कैपकट को ओपन करना है। तो मैं यहाँ पर अपने कंप्यूटर में कैपकट को ओपन करता हूँ। तो यहाँ पर अभी कैपकट जो यहाँ पर ओपन हो चुका है। यहाँ पर अपनी वीडियोस को एडिट करने के लिए आप लोगों ने यहाँ पर क्लिक करना है न्यू प्रोजेक्ट पर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोगों के सामने कैपकट जो यहाँ पर ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप लोगों ने इम्पोर्ट करना है अपनी वीडियो, जिस भी वीडियो को आप लोगों ने एडिट करना है यहाँ से आप लोग इम्पोर्ट कर सकते हो। तस्वीरें है, वीडियोस है और इसके साथ साथ ऑडियो है, यहाँ से आप लोग इसको इम्पोर्ट कर सकते हो। तो चलो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर एक वीडियो पड़ा है, मैं इसी वीडियो को यहाँ पर इम्पोर्ट करता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो वीडियो जो है यहाँ पर आ चुका है। तो अभी इस वीडियो को आप लोगों ने यहाँ से ड्रैग करना है नीचे डायरेक्ट। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इस तरह आप लोगों ने नीचे ला के यहाँ पर छोड़ना है। यहाँ पर अभी आपकी वीडियो यहाँ पर एडिटिंग के लिए तैयार है। आप लोग इसके बाद इस पर एडिटिंग कर सकते हो। तो यहाँ पर इसके बाद आप लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो लिखा है रिटियो, तो आप लोगों ने इस पर क्लिक करना है। अगर आप लोगों ने यूट्यूब के लिए इसको एडिट करना है तो आप पर 69 सेलेक्ट करना है। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को इंस्टाग्राम के लिए एडिट करना है तो 43 यहाँ पर सेलेक्ट करना है। इसी तरह फेसबुक वगैरह और टिकटॉक वगैरह के लिए यहाँ पर नीचे 916 टिकटॉक और जो यूट्यूब शॉर्ट्स है इसके लिए आप लोग 916 सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर यूट्यूब के लिए ये वाला सेलेक्ट करता हूँ 16.9। इसके बाद इस वीडियो में अगर आप लोगों ने यहाँ पर इस वीडियो के अंदर अगर आप लोगों ने कुछ कट्स लगाने, मिसाल के तौर पर अगर आप लोगों की वीडियो के अंदर आप लोगों से कुछ गलती हुई है तो आप लोग इस वीडियो में वो गलती कैसे काट सकते हो। तो यहाँ पर शॉर्टकट्स भी यहाँ पर मौजूद है, आप लोग शॉर्टकट्स में भी यहाँ पर अपने कीबोर्ड में इसको यूज़ कर सकते हो। अगर आप लोग शॉर्टकट यूज़ नहीं कर सकते या आप लोग यूज़ नहीं करना चाहते या आप लोग भूल जाते हो तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ से आप लोग स्प्लिट कर सकते हो। यहाँ से आप लोग ये वाला साइड स्प्लिट कर सकते हो, यहाँ से इस वाले से आप लोग ये वाला साइड स्प्लिट अलहदा कर सकते हो और इस वाले से आप लोग इस दरमियान वाले पे स्प्लिट लगा सकते हो। इसके बाद आप लोगों ने यहाँ से आप लोग देख सकते हो अपने जो टाइमलाइन है इसको आप लोग जूम इन और जूम आउट कर सकते हो। तो इसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर जितनी वीडियो को आप लोगों ने कट लगाना है या आपसे आप लोगों ने ख़त्म करना है उसी पर आप लोगों ने यह वाला लाइन छोड़ना है और फिर से यहाँ पर आप लोगों ने कट लगाना है। अभी ये वाला जो पार्ट है ये यहाँ से कट हो चुका है। अभी इस पार्ट को आप लोग डिलीट वाले बटन दबा के भी आप लोग डिलीट कर सकते हो और यहाँ से आप लोग माउस में भी आप लोग डिलीट वाले ऑप्शन से इसको डिलीट कर सकते हो। ये तो हो गई यहाँ पर स्प्लिट वाली बात। अभी यहाँ पर अगर आप लोगों ने कुछ तस्वीरें लगाना है तस्वीरों के लिए भी आप लोगों ने इम्पोर्ट वाले ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर एक तस्वीर लगा के मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाता हूँ। इस तस्वीर को भी यहाँ पर आप लोगों ने नीचे यहाँ पर ड्रैग करके यहाँ पर छोड़ना है। यह तस्वीर यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, इसको कस्टमाइज़ भी आप लोग कर सकते हो, यहाँ पर छोटा कर सकते हो। अगर आप लोगों को साइज़ में थोड़ा सा बड़ा चाहिए तो भी आप लोग यहाँ से इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो और जहाँ पर भी आप लोगों को चाहिए यहाँ पर आप लोग इसको वहाँ पर रख सकते हो। इसके बाद यहाँ पर आप लोग इसको सेलेक्ट कर सकते हो, जहाँ पर भी आप लोगों को चाहिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर साइड पर भी आप लोगों को यहाँ पर साइज़ आप लोग यहाँ से छोटा और बड़ा कर सकते हो। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो स्केल लिखा है। इसके बाद यहाँ पर कैपेसिटी है, आप लोग इसको एज फिल्टर भी आप लोग यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इस फिल्टर भी आप लोग किसी भी तस्वीर को यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इसी तस्वीर को आप लोग इस फिल्टर भी आप लोग यूज़ कर सकते हो। तो इसके बाद यहाँ पर मैं इसी तस्वीर को यहाँ पर इसकी जो कैपेसिटी है मैं यहाँ पर फुल करता हूँ। इस तस्वीर को मैं यहाँ पर रखता हूँ और यहाँ पर इस तस्वीर को आप लोग जहाँ तक भी आप लोगों को ज़रूरत है इस तस्वीर को वहाँ पर आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो। और अगर आप लोगों को ये तस्वीर पूरी वीडियो में चाहिए तो भी यहाँ पर आप लोग कर सकते हो।
इसके बाद आप लोग टेक्स्ट कैसे ऐड कर सकते हो अपनी वीडियोज़ में, टेक्स्ट भी आप लोग बहुत ही आसानी के साथ इसमें ऐड कर सकते हो। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो लिखा है टेक्स्ट, तो आप लोगों ने टेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसमें बहुत मज़े मज़े की यहाँ पर इफेक्ट्स आप लोगों को मिलते हैं, यहाँ पर फोंट्स मिलते हैं, तो आप लोगों ने यहाँ पर क्लिक तो करना दोस्तों है। आज की इस वीडियो तो यहाँ पर आप लोगों ने इसको भी नीचे ड्रैग करके यहाँ पर रखना है। अभी यहाँ पर इस पर डबल क्लिक करके भी आप लोग डिलीट करके इसमें अपना टेक्स्ट ऐड कर सकते हो। यहाँ पर भी आप लोग इसमें अपना टेक्स्ट ऐड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर इसको मैं रिमूव करता हूँ, मैं यहाँ पर अपनी चैनल का नाम लिखता हूँ, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। और इस टेक्स्ट को भी यहाँ पर आप लोग जहाँ पर भी रखना चाहते हो यहाँ पर आप लोग रख सकते हो। यहाँ से अगर आप लोगों को बोर्ड चाहिए तो भी कर सकते हो, नीचे लाइन चाहिए तो भी कर सकते हो, आप लोगों को इस तरह चाहिए तो भी आप लोग कर सकते हो। यहाँ पर साइज़ है, आप लोग जितना साइज रखना चाहते हो तो भी आप लोग यहाँ पर कर सकते हो। और यहाँ से आप लोग माउस के साथ भी कर सकते हो। और इसके साथ साथ यहाँ पर एनिमेशन है, अगर आप लोग एनिमेशन ऐड करना चाहते हो तो भी आप लोग अपने टेक्स्ट में एनिमेशन ऐड कर सकते हो। यहाँ पर नीचे एनिमेशन की जो टाइम है यहाँ पर आप लोग इंक्रीज़ कर सकते हो। तो चलो मैं इंक्रीज़ करता हूँ, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। मैं यहाँ पर वीडियो को पहले से यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ, यहाँ पर आप लोग देखना, यहाँ पर आप लोगों ने देखा। अभी इस टेक्स्ट को भी यहाँ पर आप लोग जहाँ पर भी रखना चाहते हो तो यहाँ पर आप लोग अपना टेक्स्ट रख सकते हो। और यहाँ पर जितनी भी वीडियोस में आप लोगों को ये टेक्स्ट चाहिए, अगर आप लोगों को पूरी वीडियो में ये टेक्स्ट चाहिए तो भी आप लोग यहाँ से इसको यूज़ कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर अगर आप लोगों ने किसी ऑडियो को यहाँ पर ऐड करना है, ऑडियो ये ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये कैपकट की जो खुद की ऑडियो है, यहाँ पर आप लोग इसको भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो। अगर आप लोगों के पास कंप्यूटर में ऑडियो पड़ा है तो भी यहाँ पर इंपोर्ट करके आप लोग यहाँ पर इसको ऐड कर सकते हो इस तरह। ये तो मैंने एक जो वीडियो यहाँ पर ऐड किया, आप लोग इसी तरीके से अपनी ऑडियो भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो इसको मैं यहाँ पर डिलीट करता हूँ। मैं इसके बाद आप लोग स्टिकर अगर आप लोग ऐड यहाँ पर करना चाहते हो तो भी आप लोग कर सकते हो। मैं तो इस दोस्तों स्टिकर आज को की इस वीडियो में यहाँ पर ऐड करता हूँ। इसी स्टिकर को आप लोगों ने यहाँ पर नीचे यहाँ पर ड्रैग करना है, छोड़ना है। और यहाँ पर आप लोगों को जहाँ पर भी चाहिए यहाँ पर इसको आप लोगों ने सेलेक्ट करना है अपनी जो स्टिकर है। और यहाँ पर आप लोगों ने इस स्टिकर को सेलेक्ट करना है। और यहाँ पर आप लोग इसका जो साइज़ है वो आप लोगों को जिस तरह भी चाहिए आप लोग कर सकते हो। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, मैं यहाँ पर प्ले करके आप लोगों को दिखाता हूँ। जिस तरह की भी आप लोगों को स्टिकर चाहिए आप लोग इसमें ऐड कर सकते हो। कच तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, इसी तरह आप लोगों को फॉलो वाला चाहिए, यहाँ पर हंसने वाला चाहिए, सब्सक्राइब वाला चाहिए, लाइक वाला चाहिए, दिल वाला चाहिए, आप लोग इसमें यूज़ कर सकते हो। इसके बाद इफ़ेक्ट्स से आप लोग इफ़ेक्ट्स अपनी वीडियोस में आप लोग ऐड करना चाहते हो तो भी यहाँ पर आप लोग अपनी वीडियोस में इफ़ेक्ट्स यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर मैं इस इफ़ेक्ट को मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ। आप लोगों ने नीचे ड्रैग करके यहाँ पर छोड़ना, मैं पूरी वीडियो में यहाँ पर इसको ऐड करता हूँ। ये इफ़ेक्ट जो अभी मैंने यहाँ पर इसमें ऐड किया, ये इस इफ़ेक्ट को यहाँ पर बोलते हैं शार्प वाला इफ़ेक्ट। इसको तो आप दोस्तों लोग आज अपनी वीडियोस में यूज़ कर सकते हो, किसी भी यहाँ पर इफेक्ट को आप लोग यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर इसके बाद है ट्रांजेक्शन, अगर आप लोग ट्रांजेक्शन तो यहाँ कैपकट पर भी ब्राउजर को ओपन यूज़ करना चाहते हो तो भी यहाँ पर आप लोग कर सकते हो। ये ट्रांजेक्शन जो है ये बिल्कुल फेस के लिए, तो इस वीडियो में कोई फेस नहीं है, कोई चेहरा नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर ये अप्लाई नहीं हो रहा। इसके बाद यहाँ पर फिल्टर्स है, आप लोग अगर अपनी वीडियोस में फिल्टर्स लगाना चाहते हो तो यहाँ पर आप लोग फिल्टर की इस भी वीडियो यहाँ में मैं पर ऐड कर सकते हो। मैं यहाँ पर ये वाला फिल्टर ऐड करके आप लोगों को दिखाता हूँ, मैं पूरी वीडियो में इसको अप्लाई करता हूँ। यहाँ पर आप कि लोग इस वीडियो देख में मैं आप सकते लोग हो, अब मेरी जो वीडियो है इसमें यहाँ पर फिल्टर जो है यहाँ पर ऐड हो चुका है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। इसी तरह एडजस्टमेंट में आप लोग तो अपनी एडिटर तो आप लोगों ने वीडियोस को इस पे यहाँ पर क्लिक करना है। एडजस्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप लोग अपनी वीडियो को कैपकट के अंदर एडिट कर सकते हो। इसके बाद अगर आप लोगों ने एक्सपोर्ट करना है तो आप लोगों ने एक्सपोर्ट वाले बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो कहाँ पर आप लोगों ने इस वीडियो को सेव करके रखना है। इसके बाद आप लोगों ने एक्सपोर्ट वाले बटन पे क्लिक करना है, यहाँ पर आपकी जो वीडियो है वो यहाँ पर एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो चुका है। तो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा।